बिगनिंग ऑफ नवरात्रि हर साल दो बार हम नवरात्रि के उत्सव को इस फेज को इन 9 दिनों को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम कभी पूछते नहीं कि ऐसा क्यों आता है, इसी समय क्यों आता है। बिगनिंग ऑफ नवरात्रि इज बिगनिंग ऑफ आवर न्यू ईयर। तो जब हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है तो हर तरीके से बॉडी के रिन्यूअल के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं प्योरीफाई आवर सिस्टम, बट द वे आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर बीइंग, सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं होती है, 5 लेयर्स पर आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, आप किसी अच्छे हेल्थ क्लिनिक पर जाइए, सात्विक खाना खाइए, बॉडी हल्की होनी शुरू हो जाती है, बेटर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या, हमारी बॉडी के 5 कोशास हैं, 5 कोशास मीन्स 5 लेयर्स टू रीच टू द इनर मोस्ट। द फर्स्ट इज अन्नमय कोश, यानी कि हमारी जो आउटर बॉडी है। तो हम जो खाना खाते हैं, आप 4 दिन हैवी खाना खाइए वेट बढ़ जाता है, 4 दिन हल्का खाना खाइए वेट गिर जाता है। तो जो हमारी आउटर लेवल की बॉडी है वो फूड से इफेक्ट होती है, खाने पीने से। तो इसको मेंटेन रखने के लिए फास्टिंग में आप 9 दिन सात्विक खाना खाते हैं, तो इफेक्ट है आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। अन्नमय कोश मीन्स इस लेयर के बाद जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश, जो हमारी ब्रीदिंग में हमारी वाइटल एनर्जी की लेयर है। जैसे जब आपका सांस बहुत ज्यादा खुली हुई होती है, तो आप जब गुस्से में होते हैं तो आपकी ब्रेथ छोटी होती है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी ब्रेथ लंबी होती है। ये वो सोर्स है जो आपकी एनर्जी फ्लो को मेंटेन करती है। इसीलिए इस समय पर कहा जाता है कि प्राणायाम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो क्लियर हो, पहले बॉडी और फिर उसके अंदर प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर की जो लेयर है, जो थर्ड लेयर है, दैट इज कॉल्ड मनोमय कोश। आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी है, आपकी वाइटल एनर्जी फ्लो भी ठीक है, लेकिन आप मन से खुश नहीं है, आप मन से दुखी हैं, आप मन से चिड़े हुए हैं। तो कितनी भी खूबसूरत जगह पे जाएं, कोई भी अच्छा काम करें, दिल नहीं लगेगा। तो मनोमय कोश में किसी के अगेंस्ट हमें इरिटेशन है, हमें कोई आदमी पसंद नहीं है, किसी के अगेंस्ट हम रिजेंटमेंट लेके बैठे हुए हैं, हम मन से किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको लेट गो करने का टाइम होता है। इसीलिए इस समय पर मंत्र उच्चारण होता है। मंत्र मतलब जो यंत्र, मतलब टूल, और मंत्र मतलब वो टूल जो आपके मन को काबू करते हैं। तो इसीलिए इस समय मंत्र चैंटिंग होती है, ताकि आपका मन जो है वो पूरी तरीके से एक सेंटर पे आए, एक पॉइंट पर आए। साथ ही साथ इस समय पर विड्रॉल चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे टॉर्टोइस होता है। टॉर्टोइस जो होता है वो कितना हार्ड उसका बॉडी होता है, लेकिन उसका नेक बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब टॉर्टोइस को अपने आप को बचाना होता है, तो वो अपने सारे हाथ, पैर, लिम्स, गर्दन सब अंदर कर देता है और हार्ड बन जाता है। कि किसी तरीके से मंत्र भी आपके माइंड को, आपके मन को हार्ड कर देते हैं, जिससे छोटी छोटी चीजें आप पे इफेक्ट नहीं करती। फिर जो फोर्थ लेयर होती है, जिस पर नवरात्र या किसी पूजा या ध्यान के दौरान हम काम करते हैं, दैट इज विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब वो लेयर जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, और अपना ज्ञान नहीं, ज्ञान इज नॉलेज। जैसे देश अपना होता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, विदेश ज्ञान, यानी कि विदेश, दूसरे के देश ज्ञान, दूर के देश ज्ञान। तो ऐसे ही ज्ञान अपना, और विज्ञान मतलब दूर का ज्ञान, दूर का ज्ञान, अपना ज्ञान नहीं, दूसरा ज्ञान। तो विज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ अदर्स व्हेन यू इंपार्ट। तो विज्ञान में सोच मतलब कि जब आप माँ की आरती करते हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, और अगर आप उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी नीड में जाते हैं, तो आपकी नॉलेज खुलती है, आपका माइंड खुलता है, आप नई चीजें सीखते हैं, आपका माइंड का पर्सपेक्टिव देखने का बदलता है। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। जब चारों लेयर्स पर आप नवरात्रि में काम करते हैं, हर साल करते हैं, साल में 2 बार करते हैं, तो जैसे मौसम बदलता है ना, और हम नए मौसम के लिए अपने कपड़ों की तैयारी करते हैं। अब गर्मियां आ रही हैं, तो आप अलमारी से गर्मियों के कपड़े निकालेंगे, सर्दी के कपड़े अंदर जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमने अपने 5 लेयर्स को भी रिन्यू करना है। इसीलिए 2 बार नवरात्रि आती है, टू रिन्यू योर सेल्फ, टू चेंज योर सेल्फ, टू इवॉल्व योर सेल्फ। फिफ्थ लेयर इज कॉल्ड आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज दी हैप्पीनेस स्टेट, द स्टेट ऑफ ब्लिस। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा खुश रहता है, उसके लिए कोई रीजन नहीं है कि वो खुश है, वो खुश है, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब ये चारों लेयर बैलेंस हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आनंदमय कोश में आ जाते हैं, विच इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ ब्लिस। So, नवरात्रि में नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी, बट वेन यू डू इट राइटफुली, इट वर्क्स ऑन योर ब्रेथ, योर प्राण शक्ति, इट वर्क्स ऑन योर हार्ट, योर मन, योर ओवरऑल इमोशनल बॉडी, इट वर्क्स ऑन योर
nurturing of your brain, vijnanamay kosh. And eventually when everything is clear and balanced, you reach to the state of happiness, which is anandamay kosh. So it's the deepest way of clearing and detoxifying mind, body, heart, soul in all the levels. That's the beauty of Navratri. So I wish you all happy, blissful and anandamay Navratri.